सिरोही जिले का सबसे बड़ा मेला हम कह सकते हैं इसको, ये श्री सारणेश्वर जी का मेला है। हालांकि गौतम जी का मेला भी काफ़ी बड़ा भरता है, वहाँ भी लाखों लोग आते हैं, लेकिन अगर सर्व समाज का अगर हम मेला कहें, चूँकि ये दो दिन का मेला भरता है, ये श्री सारणेश्वर मंदिर अभी काफ़ी आगे हैं, लेकिन हम ये दूर की व्यवस्थाएं देखते हैं, क्योंकि हम यहाँ जिले भर के लोग, बल्कि कई जिलों से लोग आते हैं, क्योंकि श्री सारणेश्वर महादेव सिरोही के राजा हैं, सिरोही के राजा के रूप में हम देखते हैं। भारत के बारे में एक बात बड़ी रोचक है कि यह देश है वीर जवानों का, अलबेलों का, मस्तानों का। ये एक बड़ी एक गीत की लाइन भी है, और इसके माने ये हैं कि अगर जीवन में कोई रस ना हो, अगर जीवन नीरस हो जाए, तो जीवन का कोई मतलब नहीं रह जाता। और ये मेले, ये उत्सव, ये त्यौहार और ये संपूर्ण जो बातें हैं, वो कहीं न कहीं जीवन में रस भरने के लिए होती है, निसंदेह होती है। और हम देखते हैं कि दूर दूर तक निजी वाहन, सामूहिक वाहन और प्रशासनिक वाहन सब इस तरह से हम देख सकते हैं। और ये क्योंकि दो दिन का मेला है, होता है, आज दूसरा दिन है, और पहला दिन एक पर्टिकुलर देवासी समाज के लिए आरक्षित है। इसके पीछे जरूर कोई बड़ी कहानी रही होगी, यहाँ के राज परिवार से उनका जिस तरह का ये उत्सव हम देख सकते हैं। ये उत्सव खाना पीना, खेलना कूदना, नाचना गाना और फिर मस्ती करना, ये मेले की एक पहचान होती है। अभी चूँकि परिसर बहुत आगे है, लेकिन यहाँ इस भीड़ को हम दो दिन से लगातार देख रहे हैं। ये श्री सारणेश्वर जी का मेला है, ये श्री सारणेश्वर महादेव का मेला है, सिरोही का इसको हम लक्खी मेला बोल सकते हैं, लक्खी मेला कह सकते हैं। इसमें लक्खी मेले का मतलब यह है कि उसमें अनगिनत लोग आते हैं, हजारों लाखों की संख्या में लोग आते हैं। यहाँ सब अपने अपने ढंग से, अपने अपने भाव से, अपनी अपनी श्रद्धा से, लेकिन सबके पीछे अगर एक बात हम इसको माने और ये हमारी जो भारतीय संस्कृति की परंपरा कि हम आनंदित कैसे हों, जीवन में जीवन आनंदित कैसे हो, शायद ये इससे इन मेलों से बढ़िया कोई दूसरी जगह नहीं हो सकती। मिलना जुलना और मिलने जुलने से देखिए जीव आत्मा अनेक अनेक रूपों में, अनेक अनेक शरीरों में रहता है, लेकिन सब एक दूसरे से अटैच है। ये हम श्री सारणेश्वर महादेव, ये भादवा या एकादशी के दूसरे दिन या एकादशी से ही ये मेला शुरू हो जाता है। ये काफ़ी संख्या में लोग हैं, और ऐसा नहीं है लोग स्थिर हैं, लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं, लेकिन बस अपने आराध्य के प्रति एक जो हाजिरी लगाने का एक तरीका होता है, उस तरह का हम यहाँ देख सकते हैं। ये सारणेश्वर महादेव के मंदिर के करीब अभी हम पहुँचने वाले हैं, लेकिन ये बाहर भी अगर हम देखेंगे इस तरह की भीड़, तो ये इस बात को एक तरह से प्रूव कर देगी कि ये देश है वीर जवानों का, अलबेलों का, मस्तानों का। इस देश के यारो होय होय, देश के यारो क्या कहना। यहाँ एक बात हम और देखते हैं कि ऐसे मौके पर बहुत सारे लोग अपने अपने तरीके से सेवा कार्य भी करते हैं, सेवा कोई गाँव करता है, कोई तरह तरह की सेवा करता है। ये श्री सारणेश्वर महादेव लोग प्रसादी चढ़ाते हैं, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा संदेश है, बहुत बड़ा ये अवसर है कि आध्यात्मिकता के बहाने ही सही,
लेकिन एक सामाजिक समरसता का जो हम देखते हैं, ये सारणेश्वर जी का मुख्य द्वार इसको हम कहते हैं, लेकिन बहुत अच्छी खासी पब्लिक, और ये पब्लिक के पिछले दो दिन से हम इस तरह की पब्लिक को देख रहे हैं। ये सारणेश्वर जी का अगर हम का नज़ारा देखेंगे तो बहुत खास नज़ारा। जब सारणेश्वर जी की बात हो तो फिर मंदाकिनी तालाब को हम नहीं छोड़ सकते, नहीं भूल सकते। ये मंदाकिनी तालाब है श्री सारणेश्वर जी का, और जिसमें ये पहाड़ी का पानी आता है, और इसी तालाब के किनारे यहाँ हम कुछ छतरियाँ देख रहे हैं, और ये यहाँ के राजाओं की छतरियाँ हैं स्वाभाविक रूप से। और हम देख सकते हैं पक्षी किस तरह से मतलब आनंद ले रहे हैं, इस प्रकृति का आनंद ले रहे हैं, इस मस्ती का आनंद ले रहे हैं। ये यहाँ हम अगर छतरियों को देखें तो लगभग 20 छतरियाँ होंगी या उससे भी ज़्यादा होंगी, 30 छतरियाँ होंगी। और ये इस बात का, क्योंकि इस मंदिर को हम सिरोही रियासत से जोड़ के चल सकते हैं, जोड़ के चलते हैं, क्योंकि यहाँ के राजा भी सारणेश्वर जी के भक्त थे, हैं और आगे भी रहेंगे। ये इस तालाब को, जिसको हम मंदाकिनी तालाब कहेंगे, इसको भी आज देखना ज़रूरी है। श्री सारणेश्वर महादेव और जो सिरोही के राजा हैं, जिनका हम अभी देख रहे थे बाहर बेशुमार भीड़, और ये भीड़ सुबह से ही इस तरह की हम देखते हैं। हम भावपूर्ण दर्शन करें, हमारा मकसद ये है कि ये सिरोही के राजा हैं, और 11 के बाद 2 दिन का लक्खी मेला यहाँ होता है। श्री सारणेश्वर मंदिर में ये नवग्रह का मंदिर भी है, और ऐसा मानते हैं कि नवग्रह हमारे भाग्य को एक तरह से निर्धारित करते हैं, संचालित करते हैं या प्रभावित करते हैं। तो यहाँ हम नवग्रह के भी दर्शन करें, और ये भगवान विष्णु की प्रतिमा, और ये पूरा का पूरा जो श्री सारणेश्वर महादेव का मंदिर है, ये अपने आप में बहुत खास है, क्योंकि ये सैकड़ों साल पुराना है, सिरोही के इतिहास में एक अहम स्थान भी रखता है। तो और आज यहाँ पे मेला चल रहा है सुबह से, इसलिए हम इसके भव्य स्थल को दिखाना चाह रहे हैं। 108 शिवलिंग, ये भी एक बड़ा संदेश है जो श्री सारणेश्वर महादेव के अंदर हम देख रहे हैं। श्री बद्री केदारनाथ, ये और खास बात यहाँ की, हम बद्री केदारनाथ के भी दर्शन यहाँ श्री सारणेश्वर धाम में कर सकते हैं, हमको करने का मौका मिलता है। बद्रीनाथ हम जीवन में जाते हैं, अच्छी बात है, और अगर मान लो कोई योग नहीं बनता तो हम यहाँ भी दर्शन करें तो इसका लाभ भी हमको मिलता। और यहाँ श्री गंगा जी, यहाँ जो अक्षय कुंड जिसको हम कह सकते हैं, और यहाँ से प्रक्षालन होता है महादेव जी का, हम भी प्रक्षालन करते हैं। ये जहाँ शिव होगा वहाँ गंगा होगी, ये एक सामान्य कुदरत का नियम है, क्योंकि शिव गंगा शिव के बिना नहीं रह सकती, और हम इस तरह से महादेव के गंगा को सबको नमन करते हुए मैं मेरी वाणी को विराम देता हूँ। जय श्री सारणेश्वर महादेव।